16 माह का अरसा एज प्राइम मिनिस्टर, आपकी राय क्या है? ये अच्छा फैसला था वजारत उज़्मा लेनी इन हालात में? देखें, अगर आप ये कहें कि वो मीठा मीठा करवा करवा, तो फिर तो उस हिसाब से तो मुझे ये इकदार नहीं लेना चाहिए था। लेकिन जहाँ पर हमने अच्छे वक्त भी देखे, चैलेंज भी देखे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और हमने इज्तिमाई तौर पर फैसला किया कि कुछ हो जाए हम रियासत को बचाएंगे, सियासत को अगर कुर्बान कर देते हैं तो कोई बड़ी कीमत नहीं है। मुझे इसमें एक सेकंड के लिए कोई मलाल नहीं है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फज़ल बच गया, रियासत बच गई। और अगर रियासत बची है तो सियासत भी बच जाएगी और अच्छे वक्त भी आएंगे। तो ये मेरे रफ़का ने, मियाँ नवाज शरीफ ने एक कॉन्शियस फैसला किया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रियासत बच गई, सियासत को हमने कुर्बान किया। ये मैं समझता हूँ कि इट्स अ प्राइस वेल पेड। सर, जो अरसा आप हुकूमत में रहे हैं, इसमें महंगाई खासतौर पर फूड आइटम की 40 से 50% रही, देहाती इलाकों में 50% तक फूड इन्फ्लेशन गया, जो अनप्रेसिडेंटेड था। अभी जो 28.3% आखिरी इन्फ्लेशन का टोटल CPI का नंबर जी, मैं अगर आप लें कोर को तो कोर तो उससे कम है। आप आ जाएं रिमिटेंसेस पे और आ जाएं एक्सपोर्ट्स पे, तो 4 अरब डॉलर की डिक्लाइन हुई है। आप मुझे जवाब देने दीजिए ना जी, महंगाई जो है 3.5% से 12-12.5% पे आई इमरान खान के ज़माने में, ये ज़रा जहन रख लें। चीनी इमरान खान के ज़माने में 100 रुपया क्रॉस कर गई, ज़रा आपके ज़माने में आज 150 पे। नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ ना जी। मलिक साहब, ज़रा आप हौसला करें, जब सवाल करें तो उसका जवाब भी सुने ना। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस महीने, इस जो 15 रोज़ा जो पेट्रोल और तेल की कीमतें बढ़ी, पिछले कई महीनों में उसमें कमी भी होती रही। क्यों? ये कोई हमारे पास जादू मंत्र नहीं था। अगर तेल जो इम्पोर्ट होता है बाहर से, उनकी कीमतें गिरती हैं, डॉलर और रुपए की जो कदर है उसमें कोई स्पेस मिलती है, तो हम एक एक पाई आवाम को वो सस्ता। इससे पहले आपको पता है कि अपना तेल की कीमतें भी कम हुई और पेट्रोल की कीमतें कम हुई। अगर जब से हमारा ये दौर आया है 16 महीनों का, तो आप देखेंगे कि कई जो 15 रोज़ा जो कीमतें तब्दील हुई, कई जगह कम हुई, कई जगह बढ़ी, क्योंकि ये मेरे और आपके इख्तियार भी नहीं। नंबर 1, मेरी बात ज़रा सुनने प्लीज़। दूसरी बात मलिक साहब, ये है कि इमरान नियाजी के दौर में जो गंदम की पैदावार कम हुई थी और हमें मजबूरन गंदम इम्पोर्ट करनी पड़ी, इसलिए कि वो न सिर्फ उस साल इमरान नियाजी के दौर में गंदम की पैदावार कम हुई, बल्कि उन्होंने उसे पिछले साल गंदम एक्सपोर्ट भी की, फिर इम्पोर्ट भी की, शुगर एक्सपोर्ट की, फिर इम्पोर्ट भी की। ये जुर्म अपना कौम को पूरी तरह पता है जुर्म का, कि जिसके नतीजे में अरबों डॉलर हमारे ज़ाया हो गए और विंडफॉल प्रॉफिट्स डॉलर के बदले में, के मुकाबले में रुपये की कदर कम हो रही थी, वो विंडफॉल प्रॉफिट्स उन इम्पोर्टर्स ने जेब में डाला। प्लीज़ ज़रा मैं आपको बताना चाहता हूँ शहबाज साहब, जब आप रियासत बचाने की बात करते हैं ना, तो बात दो बुनियादी इंडिकेटर मुझे मुकम्मल करने दें ना बात को मेरी। डॉक्टर साहब, मलिक साहब मुझे बात मुकम्मल। सर, लेकिन एक सवाल आपको बताना, इस तरह नहीं आप कहते हैं रियासत बचाने की बात। आप नहीं, इस तरह पर मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर आप मुझे मेरी बात कह लें ये प्लीज, हमारे दौर में महंगाई बढ़ी, जैसा मैंने कहा 2 अरब डॉलर गंदम की इम्पोर्ट करने पर लगे, 2 अरब डॉलर यूक्रेन की जंग की वजह से कमोडिटीज की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी ये। और फिर हमारा IMF के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो पिछली हुकूमत की वजह से था, उसकी तफसील में मैं नहीं जा रहा। उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह हैंडल किया और डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान बच गया। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता तो मैं तफसील बता चुका हूँ, यहाँ पर आपका वक्त ज़ाया करना चाहता, लाइनें लग जाती हैं अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता, दवाई की दुकानों पर बहुत बड़ी सज़ा होती है। ये आप सही कह रहे हैं, एक तबाही हो जाती, सज़ा होती है। रब ताला ने अपना ख़ास कर्म किया और इज्तमाही काफ़िशस हुआ। महंगाई बिल्कुल हमारे दौर में बढ़ी है, उसकी मैंने वजूहात आपको बता दी, मगर रमज़ान शरीफ में आपने देखा कि तारीख में पहली मरतबा 40-50 अरब रुपया खर्च करके वहाँ पे पंजाब में
फ्री हटा दिया गया। उसमें अगर आप ये कहें कि बहुत शानदार वो इंतज़ाम तो नहीं था, लेकिन वो अपना गरीब आदमी महंगाई के हवाले से वो बेचारा तबाह हो गया था। हमने पंजाब में फ्री हटा दिया गरीब आदमी को, केपीपी मुहैया किया, और सिंध में उन्होंने, सिंध गवर्नमेंट ने, उन्होंने कैश ट्रांसफ़र किया, जो कि उनका एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। ये क्या था, ये क्या था कि हम गरीब आदमी की कुछ उसकी शर्माई करें। एक बिजली की अब हमें रीबेसिंग करनी पड़ी, वो कीमतों की IMF की ये रिक्वायरमेंट थी। हमने 200 यूनिट तक, मैंने यानी विद इन पावर सेक्टर क्रॉस सब्सिडी की, जिसकी IMF ने हमें इजाज़त दी थी, और 200 यूनिट तक हमने गरीब आदमी के लिए बिजली की कीमत 63% लोगों को, जो सार्फीन हैं उनके ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ा, और जो ऊपर अशराफिया है उनके ऊपर बोझ पड़ा। आप कहते हैं कि आपने रियासत बचाई, रुपया डॉलर के मुकाबले में आपको मिला था 199 पे, आज वो 290 का भी मार्केट में नहीं मिलता। इसी तरीके से नहीं, अब तो IMF के मुआहदे के बाद तो कोई अपना देयर इज नो रश। आपके ख्याल में क्या रेट है डॉलर का मार्केट में? 290 रुपये। नहीं नहीं, आप आपको 189 पे मिला। अभी चंद दिन पहले 100 रुपये पेट्रोल की कीमत भी बढ़ी आपके दौर में। मलिक साहब, चंद दिन पहले 280 भी आया था, तो सर 274 भी गया था सर? नहीं नहीं, यू आर क्लोज टू 290, 100 रुपया क्रॉस कर चुके हैं। नहीं, अभी 3 हफ्ते पहले 274 था। 274 कर लें सर, था। लेकिन पॉइंट ये है कि मैं तो इनकार नहीं कर रहा महंगाई से, मैं तो इनकार नहीं कर रहा कि अपना मुल्क की जो मैशत जो है उसको बड़ा चैलेंज है। उसकी वजूहत मैंने आपको बताई हैं कि इमरान नियाजी ने तबाही की। 9 मई का वाकया क्या था? पाकिस्तान और रियासत और फौज और उसके चपा सलार के खिलाफ बगावत थी। तो आप ये कहेंगे कि बगावत हो जाए और मैशत बहुत अच्छी चले, ये किस तरह मुमकिन? आग और पानी किस तरह इकट्ठे हो सकते हैं? 9 मई को आप यौम सियाह कहते हैं, मैं आपकी इस बात की तईद करता हूँ। यौम सियाह नहीं है, वो तारीख तरीन दिन था पाकिस्तान की। लेकिन जब आप कहते हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत थी, तो किसी आर्मी ऑफिसर को बगावत के इल्जाम में, किसी आर्मी ऑफिसर को बगावत के इल्जाम में सजा नहीं हुई? जिन लोगों को सजा हुई है उनको नाकामी उन अमारात के दिफा में हुई है। क्या फेलियर टू डिफेंड दी मिलिट्री बिल्डिंग, उसके ऊपर पनिशमेंट किया? ये मैंने और आपने फैसला नहीं करना कि ये म्यूटनी के पनिशमेंट है, तो उनका काम है ना। जिस वो इदारा वहाँ पर जिन अफसरों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, साबक या हाजिर या उनके ख़ानदान के अफराद को, उनको पता है। मैं ये कह सकता हूँ बिला खौफ तरदीद कि ये 9 मई का वाकया बगावत था इमरान खान और उसके जत्थे का, रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ और उसके सिपा सलार के ख़िलाफ़। सर, लेकिन आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के मौके के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी कोशिशें हुई, उनकी समरी रोकने की बात की जाती थी कि हम समरी नहीं भिजवाएंगे ताकि आप इनको तैनात ही ना कर सकें। दबाव मौजूद था, उसकी वजाहत करेंगे कि वो कौन लोग थे जो दबाव डाल रहे थे? मलिक साहब, वो एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। लेकिन आप माशाल्लाह बड़े ज़ीशऊर आदमी हैं, जो कहते हैं कि ऑल इज़ वेल विच एंड्स वेल, वो खुदा के फजल करम से मामला बहुत फाइनली बहुत खुश सलूबी से और अच्छे तरीके से तय हो गया। अपना डेट्स की अपना हमें उसमें ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन ये बाकियात नहीं हो सकती उस मौके की? जो लोग कहते थे कि समरी में नाम ही नहीं डालेंगे आप इनको चीफ ना लगा सकें, तो क्या वो बाकियात नहीं हो सकती जो आज भी ये इशू सामने आते हैं? रोज़ एक नया इशू सामने आ जाता है, कभी उनकी फैमिली की डिटेल्स। जब समरी आई, देखे ना, बातें तो हवा में मलिक साहब 100 थी, लेकिन जब समरी आई उसमें जन आसिम मुनीर का नाम पहले नंबर पर था। ये बिल्कुल रिकॉर्ड की बात है कि उसमें पहले नंबर पर था। समरी इसी तरीके से आई थी, 6 नाम थे और जन आसिम मुनीर का नाम पहले नंबर पर था। बाकी